आज के वीडियो में हम नरेशन का जो हमारा तीसरा पार्ट है, इंपेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस हैं, वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम आरएस के अंदर हमारा किस तरह का सेंटेंस है या आरएस की जो मैन उसका जो मीनिंग है वो किस तरह का है, तो कुछ मीनिंग्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। एक तो आपका इसमें कमांड है, हम किसी को आदेश दे रहे हो, ऑर्डर है, एडवाइस हम किसी को सलाह दे रहे हो, रिक्वेस्ट किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, वार्न किसी को हम चेतावनी दे रहे हो, फॉरबिड किसी को हम मना कर रहे हो, मनाई करना, सजेस्ट किसी को हम कोई सुझाव दे रहे हो, प्रपोज किसी को हम प्रस्ताव दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कुछ, और आस्क हम किसी को कुछ कह रहे हैं। तो हमारा ये कुछ भाव या भावार्थ हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे इनमें से। तो हमें आरएस के भाव को समझ के, उसके अर्थ को समझ के, इनमें से जो उचित शब्द हमें लगाना है वो आरवी के अंदर यानी सेड या सेड टू को इनमें से किसी एक शब्द में हम बदल देंगे। एक्टिव कौन सा हम यूज करें इसमें? डिक्लेरेटिव में हम दैट का यूज कर रहे थे, इंटरोगेटिव में हमने इसका यूज किया था, और इंपेरेटिव में यहाँ पे हमें दो कनेक्टिव लगाने हैं। एक तो हमें टू से जोड़ देना है, जहां पे हमारे इंटरमीडिएट कोमास स्टार्ट हो रहे हैं वहां हमें टू लगा देना है, और एक हमें नोट टू लगा देना है। नोट टू कब लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टू वहां लगाना है जहां पे हमारा सिंपल सेंटेंस हो, रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर या कमांड हो। तो हम RS व RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ देंगे, और इसके बाद में यानी टू के जस्ट बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ऑलरेडी हमारे RS में दी गई होगी वो इसके आगे हमें लगा देंगे। नाउंस और प्रोनाउंस, उनको हम किस आधार पर चेंज करेंगे? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि टेंस और प्रोनाउन वैसे ही चेंज करने हैं जैसे हमने पहले डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव में किए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी सेंटेंस को देखकर ये पहचान कैसे करें कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या कोई दूसरा टाइप है उसमें, क्योंकि पांच प्रकार के वाक्य आमतौर पर नरेशन में होते हैं। तो पहचान उसकी मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक तो हमारा जो आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या फिर वो लेटेस्ट से स्टार्ट होगा। इसको हम एब्रीविएट, इसका जो रूप है वो हम लेटेस्ट भी बोल देते हैं, या वो इससे स्टार्ट होगा, और या फिर आर एस आपकी लेट से स्टार्ट होगी। वैसे लेट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो तीन तरह की स्टार्टिंग या बिगिनिंग आपको आर एस में देखने को मिल सकती है। एक नंबर, या तो आपका आर एस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ हो, दो नंबर या वो लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ हो, और तीन नंबर वो सिर्फ लेट से स्टार्ट हुआ हो। एक दो एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, और नीचे है राम सेड टू राकेश किक दोस बुक्स ऑन द टेबल प्लीज। तो यहां पर जैसा कि हमने बात की थी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, तो यहां पर हमें यहां पे देखना है डू नॉट यहां पर आ रहा है, ये भी एक इसका पैटर्न है, और नीचे वाले में आप देखेंगे कि कीप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने यहां पे तीन बिगिनिंग मैंने आपको बताई थी कि तीन तरह से ये स्टार्ट होता है। एक तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एक आपका लेटेस्ट था, और एक आपका लेट था। उसमें एक चौथी नंबर बिगिनिंग भी आप यहां पे ऐड कर लें कि डोंट से स्टार्ट होना। डोंट से स्टार्ट होना मतलब हम किसी को कुछ करने से मनाई कर रहे हैं, किसी को कुछ करने से रोकना, वो वाक्य आपके डोंट से स्टार्ट होंगे। तो प्लीज आप डोंट भी उसमें ऐड कर लें। चार प्रकार की बिगनिंग हमें यहां पे इंपेरेटिव में देखने को मिलेगी। तो इसको हम कैसे करेंगे उसका यहां पे सिंपली मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि हमने पहली बात की थी कि या तो हमें टू कनेक्टिव लगाना है या हमें
नोट टू कनेक्टिव लगाना है। तो ये जो सेंटेंस है आपका डोंट वाला, इसमें हमें नोट टू का प्रयोग करना है, और सिंपल जो है जिसमें नोट नहीं आया है उसमें हमें टू का प्रयोग करना है कनेक्टिव के रूप में। तो हम इसको कर देंगे। उसको करने से पहले हमें आर एस का क्या भाव है, क्या भावार्थ है उसका, वो देखना है। यहां पर वार्निंग दी जा रही है, टीचर वार्न कर रहा है, तो हम इसको बना देंगे द टीचर सेड टू का हम कर देंगे वारंट। वारंट द टीचर वारंट मी। अब हमें यहां पर नोट टू लगाना है, नोट टू, डॉट की जगह हमें नोट टू लगाना है, और आगे आपका ओपन द डोर हो जाएगा, ओपन द डोर फुल स्टॉप आ जाएगा, सारे कोमास हटा देंगे। तो नीचे वाला चूंकि सिंपल सेंटेंस है तो यहां पर भी हमें इसकी भाव को देखना है कि भी आर एस में क्या नोशन है, क्या लेखक या स्पीकर बोल क्या रहा है। किक दोस बुक्स ऑन द टेबल प्लीज, तो प्लीज यहां पर आया है, इट मींस ये एक रिक्वेस्ट वाला वाक्य है। तो यहां पर हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, राम रिक्वेस्टेड राकेश। अब हमें इसको टू से जोड़ देना है, हम आर एस वे आर वी को टू से जोड़ देंगे, और उसके बाद में आगे जैसा भी हमारा पार्ट है, टू कीप दोस बुक्स ऑन द टेबल प्लीज हम हटा देंगे, क्योंकि प्लीज का भाव है वो रिक्वेस्ट में एड हो गया है। ये सेंटेंस दो मैंने यहां पे लिखे हैं, तो एक तो इसमें लेट्स वाला है और एक इसमें लेट वाला है, हम दोनों ही करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनको करना है। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, या यूं कहें हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, और नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें लेट का मतलब होता है अनुमति देना या अनुमति लेना। तो ये सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें देखना है कि रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा या ऑर्डर दे रहा है या क्या कर रहा है। तो ऊपर वाला जो वाक्य है जो लेट से स्टार्ट होगा न कि लेट से, उसमें हमें सैड टू का प्रपोज्ड कर देना है। सेड टू का प्रपोज्ड कर देना है, और अगर हमारे आरवी में कोई ऑब्जेक्ट आया है, यहां पर ऑब्जेक्ट आया है, तो हम ही प्रपोज्ड मी दैट कनेक्टिव हम लगा देंगे, और वी का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मी है या कोई भी है, तो हम वी का प्रयोग यहां पर करेंगे, और उसके बाद हम शुड का प्रयोग यहां पर करेंगे, वी शुड गो टू द मूवी, आगे एज इट इज रह जाएगा। और जो नीचे वाला हमारा था इसमें लेट मी गो आउट, बच्चा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वहां से, तो आई सेड टू का यहां पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई मॉम, टू से हमें सिंपली जोड़ना है इसका, टू टू के बाद आपका हो जाएगा ये टू लेट, लेट का लेटर जाएगा टू लेट मी गो आउट, ये आपका हो गया लेट वाला वाक्य। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इंपरेटिव को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।